ये कमांडो वाली जिंदगी आपको जीनी होगी। सात दिन की अपॉर्चुनिटी कि हम लेट से लेट सुबह 7 बजे उठते हैं, पर ये उठना पड़ेगा। आप बोलोगे 7 AM कौन उठता है, तो फिर भाई सारे बच्चे सेलेक्ट नहीं होते हैं। सच्चाई सामने है। अब मैं जो ये प्लान बताने जा रहा, ये क्रिटिकल सिचुएशन का प्लान है। अगर किसी की अभी कंडीशन काफी खराब है पढ़ाई में और किसी तरह से वो बैकलॉग सारा कवर करके वापस आना चाहता है, उनके लिए मैं ये कहानी बता रहा हूँ। अगर मैं टारगेट करता हूँ कि मैं किसी तरह से 12 घंटे की इफेक्टिव स्टडी कर लूँ घर दिन में, किसी तरह से अगर मैं ऐसा कर लेता हूँ तो लगभग मेरे पास 7 दिन और हर दिन में लगभग 12 घंटे की इफेक्टिव स्टडी अगर मैं कर लूँ हर दिन, उठा लेते हैं बहुत ज्यादा भी नहीं लिया है 84। 12 घंटे पढ़ेंगे कैसे? सुबह सोच लेंगे कि 12 घंटे पढ़ना है और उठ जाएंगे और 12 घंटे पढ़ लेंगे। नहीं, ऐसे नहीं होगा बेटा। अगर आप रोज सुबह उठते हो और आपको नहीं पता है कि आपको क्या पढ़ना है, तो आप बहुत कुछ ऐसा पढ़ लोगे दिन भर में जो आपको नहीं पढ़ना। ये बहुत से बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि मैंने बायोलॉजी स्टार्ट की, दिन भर बायोलॉजी पढ़ता गया और बायोलॉजी भी दिन भर पढ़ा तो भी इतने चैप्टर्स भी कंप्लीट नहीं हुए क्योंकि टारगेट सेटिंग आपने ठीक से। तो टारगेट है तो टारगेट है, 3 घंटे में चैप्टर खत्म होना था तो 3 घंटे में इस चैप्टर को स्विच करना है, 4 घंटे हो सकता है, थोड़ा बहुत रिलैक्स दे सकते हैं, ज्यादा। अब आप 12 घंटे दिन भर में कैसे पढ़ोगे? हाउ टू स्टडी 12 hours। अब हम 12 घंटे दिन भर में बेटा कैसे पढ़ेंगे? और मुझे इन छुट्टियों में रोज 12 घंटे तो पढ़ना है, बोनस 1-2 घंटे पढ़ ले गया, बहुत बढ़िया सिलेबस। अब आप सोचोगे ना कि मैं दिन भर में 12 घंटे पढ़ूं तो बहुत बड़ा लगेगा और पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सुबह उठोगे, मान लेते हैं 7 बजे उठ गए, 8 बजे उठ गए, 9 बजे, तो आपको 12 घंटे पढ़ना है, यानी सुबह 9 से रात के 9 बजे तक पढ़ना है। यार बड़ा मुश्किल है यार, कैसे होगा ये? एक काम करता हूं, मैं 11 बजे से स्टार्ट करूंगा, रात के 11 तक 12 घंटे मेरे कंप्लीट हो। किसी भी टास्क को, किसी भी मुश्किल को जब आप एक पार्ट में देखते हो बड़ा बहुत बड़ी लगता है। आओ इसको तोड़ देते हैं, लेट अस ब्रेक दिस इनटू, तो यानी 6-6 hours के मुझे 2 सेशन चाहिए, 6-6 घंटे के 2 सेशन। अभी 6-6 घंटा भी सर सुनने में तो ज्यादा लग रहा है यार का। आओ इसको और तोड़ देते हैं, 6-6 घंटे को तोड़ देते हैं 3-3 घंटे के 2 सेशन, और यहाँ से भी 3-3 घंटे का 2 सेशन, तो मुझे चाहिए 3-3 घंटे के 4 सेशन, 4 पार्ट में मुझे 3-3 घंटे का सेशन चाहिए। अब ये जितनी भी चीजें बता रहा हूँ ये क्रिटिकल कंडीशन में करना है, जैसे अभी आप। अब अगर मुझे 3-3 घंटे के 4 सेशन चाहिए तो मैं अपने पूरे दिन को 4 पार्ट में पहले डिवाइड कर लेता हूँ। तो लेट अस सपोज कि हम सुबह थोड़ा टाइम पे तो उठना पड़ेगा, तो मान लेते हैं कि हम लेट से लेट सुबह 7 बजे उठते हैं, 7 AM, और ये उठना पड़ेगा। आप बोलोगे 7 AM कौन उठता है, तो फिर भाई सारे बच्चे सेलेक्ट नहीं होते हैं, सच्चाई सामने है। अब आप 7 बजे पढ़ने बैठ जाते हो, यानी आप लगभग मान के चलते हैं 12 घंटे पढ़ना था, 12 hours स्टडी करनी थी, इफेक्टिव स्टडी, 7 दिन की अपॉर्चुनिटी, 12 घंटे की इफेक्टिव स्टडी करनी है, तो इसको आपने कहा कि मैं 6-6 घंटे के में ब्रेक कर दूंगा। फिर आपने फर्दर कहा कि 6-6 घंटे को मैं 3-3 घंटे में ब्रेक कर दूंगा, 4 सेशन चाहिए। मानते हैं सुबह 6:30 बजे आप बेटा उठ गए, फ्रेश फ्रेश हुए और 7 बजे आप पढ़ने बैठ गए, यानी 7 AM से आपकी जिंदगी शुरू। अब रात में कितने बजे सोएंगे? देखो 6:30 पे उठ रहे हैं तो रात में कुछ नहीं तो 11:30 तक सो जाना चाहिए, 7 घंटे सो लो। अब 12 पे सो जाओ, इससे ज्यादा देर मत करना, 12 से लेट, इससे ज्यादा हार्डकोर मत बनाना, यानी रात को 12 बजे आपको सोना है। सुबह 7 से रात के 12 कितने घंटे हो गए? 7 से 7 12 हो गया और 5 हो गया आपका 17, 11 बजे पकड़ लेते हैं, बढ़िया सो लो तुम 7.5 घंटे। मान लेते हैं 11 PM आपकी स्लीप साइकिल को भी मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा, यानी आप जितनी देर सोएंगे चैन की नींद सोएंगे, मस्त सो रहे हैं, 7.5 घंटे बहुत अच्छी नींद है, बहुत बेहतरीन, बाकी टाइम पढ़ना है। अब 7 से 7 हो गया आपका 12 और 16, तो इफेक्टिव बेटा आपके पास अब 16 hours है दिन में, और आपको 4 slots चाहिए 3-3 के, तो अपने पूरे दिन को आप 4 slots में तोड़ दो, इन 16 घंटे को 4 slots में आप तोड़ दो। तो मैं 4 slots में इसको तोड़ता हूँ। सबसे पहला हम मान के चले आप कब उठे हैं, 6:30 आप उठे हैं, और इसमें मैं आपकी नींद को बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा हूँ, 6:30 आप वेकअप। पहला सेशन आपका बना 7 AM से लेके 11 AM का, ये आपका पहला सेशन बना। दूसरा बेटा आपका बनेगा 11 AM से लेके, सब पढ़ना नहीं अभी अंदर बताऊंगा, 3 PM का। तीसरा सेशन आपका बनेगा 3 PM से लेके 7 PM का, और चौथा सेशन आपका बनेगा 7 PM से लेके 11 PM। सर पूरे टाइम पढ़ते रहना? नहीं, पूरे टाइम नहीं पढ़ना है, 6:30 पे उठे थे, ब्रशेश किया, 7 बजे।
अब ये जो 7 से 11 का विंडो है, इसमें इफेक्टिव आपके पास 4R है। इस टाइम आपके पास क्या काम होता है, चीजों को समझते हैं क्या काम होता है। भाई इस टाइम हमें सर ब्रेकफास्ट करना होता है, बिल्कुल करिए बेटा। कोई कह रहा है सर मैं सुबह जॉगिंग भी करता हूँ, बेटा बिल्कुल करिए, उसका भी समय मिलेगा। तो भाई ब्रेकफास्ट आपको कितना समय लगेगा, मैक्स टू मैक्स 30 मिनट्स पकड़ लेता हूँ। जॉगिंग कितना लगेगा, 30 मिनट्स। इसके सिवा 11 बजे से पहले कोई काम तो होता नहीं, यानी अब आपके पास इफेक्टिव 3 आवर्स है स्टडी के, हो गया एक स्लॉट कम्प्लीट। अब आए 11 से 3 के स्लॉट। इस स्लॉट में क्या चाहिए होता है, अब दिन में सोने की ख्वाहिश मत देखना, रात में 7.5 घंटे हैं आपके पास। अच्छे इस स्लॉट में होता है भाई अपना लंच। चलो अब लंच को पकड़ लेते हैं। लंच भी कितनी देर करोगे, 30 मिनट्स का। और कुछ ब्रेक्स पकड़ लेते हैं कि कुछ ब्रेक्स ले लेंगे 10-10 मिनट के। एक घंटा पढ़ेंगे 10 मिनट का ब्रेक, एक घंटा पढ़ेंगे 10 मिनट का ब्रेक, एक घंटा पढ़ेंगे 10 मिनट का ब्रेक। ये हो गए अनदर 30 मिनट्स। लो भाई ये भी सॉल्व। और 3 घंटे की पढ़ाई, तो आप लगभग कुछ 12:30 पे बैठे। जब भी आप खाना खाते हो 12:30 एक पे बैठे, आधे घंटे में खाना खाया, आधा घंटा बहुत है खाना खाने के लिए। फिर आपने 10-10 मिनट के 3 ब्रेक भी ले लिए इस बार, है ना, क्योंकि सुबह से रहे हो, थक गए हो। 10 मिनट्स × 3 के आपने ब्रेक ले लिए, ये 3 घंटा आपका, ये भी 3 घंटे यहाँ। अब आया 3 से 7 PM का टाइम। अब इस टाइम क्या करना है, थोड़ा बहुत चाय वाय पीने बैठते हैं, माता पिता से बात करने बैठ गए, है ना, जो भी अच्छा लगता है गाना सुनने 30 मिनट बैठ गए, जो अच्छा लगता है वॉक करने चले गए। तो मैं तो सबसे ज्यादा टीचर हूँ, तो मैं तो इसे कहूंगा वॉक कर लो, मम्मी पापा से बात कर ली, भाई बहन से बात कर ली, किसी को भगवान वगवान में बहुत हंसता है पूजा करता है, बहुत अच्छी बात है बेटा, सबसे ज्यादा एनर्जी वहीं से मिलती है, तो आप पूजा वगैरह कर लोगे। 30 मिनट आपके अब की बार यहाँ गए, एंड अगेन आपने ब्रेक ले लिए बेटा 10 मिनट्स × 2। ये कमांडो वाली जिंदगी आपको जीनी होगी 7 दिन। देखो क्या मजा आएगा, क्या डिसिप्लिन आएगा लाइफ में। अब आप कहते हो यार इसके लिए तो हम पैदा नहीं हुए हैं। आप देखो ना भारत में जो आर्मी में लोग होते हैं कैसे डिसिप्लिन की जिंदगी जीते हैं, कैसे अपना टाइम ऑप्टिमाइज करते हैं ऐसे। लास्ट बेटा 7 से 11 PM, इसमें आपका एक डिनर का टाइम आता है, तो ठीक है सर डिनर भी कर लेंगे यार, है ना, इसमें चाय वाय पीना हो तो चाय वाय भी पी लेंगे भाई, वो सब तो बीच में आ ही जाता है। अब इसमें डिनर का टाइम आता है, तो भाई 30 मिनट में डिनर हो जाएगा मैक्स टू मैक्स, प्लस आपके अगेन ब्रेक्स हो जाएंगे, और ब्रेक्स भी हो जाएंगे 10 मिनट्स। और यहाँ भी आपके पास इफेक्टिव 3 घंटे की पढ़ाई, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 5। इस पूरे टाइम टेबल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप 11 बजे सो पा रहे। नींद में ना ज्यादा कंजूसी नहीं करना यार, दिमाग नहीं चलता है, दिमाग को चलने के लिए रेस्ट चाहिए। बहुत हुआ इसको 12 बजे तक शिफ्ट करना, उससे यार ज्यादा प्रेस मत करना, 6.5 घंटे तो सोना। अभी करंट जो प्लान में दे रहा हूँ उसके अंदर आप लगभग 7.5 घंटे आप सो रहे। सर ये तो देखने में थोड़ा टफ लग रहा है, किसने कहा था आसान होगा, किसने कहा था, किसी ने नहीं कहा था। इस तरह से अपने दिन को आपको जीना है, 7 दिन ऐसे जिन जियो, 12-12 घंटे पढ़ो, आप देखो कैसे सिलेबस आपको। और अगर इसकी आदत लग गई यार सोचो कितना मजा आएगा। इसमें ना आपकी मेंटल हेल्थ पे प्रॉब्लम हो रही है, आपको स्लीपिंग का अच्छा टाइम मिल रहा है, फिजिकल हेल्थ पे आपको 2 बार समय दिया है जॉगिंग का, वॉक करने का, मम्मी पापा से बात करने का, टाइम पे आप खाना खा रहे हैं। 12 टारगेट करेंगे 10 तो होगा, 8 तो। इसका लो साइड लेके चले कि मान लो ये सब नहीं कर पाया सर, मान लो ये 2.5-2.5 घंटे ही कर पाया मैं, 1.5-1.5 घंटा करवाते हैं, नीचे आते हैं तो एफिशिएंसी खराब हो जाएगी, यहाँ पे आके आप 2 घंटा 2 घंटा ही कर पाओगे, 3, 3, 6, 2, 8, 2, 10, जैसे जैसे समय बीतता है एफिशिएंसी, तो भी तो आप 10 घंटे पढ़ लिए बेटा, तब भी तो मैं सब मिला के आपको देख रहा हूँ, आप 10 आवर तो मिनिमम पढ़ रहे हो, बट इफेक्टिव पढ़ना है।